जब तुम पैदा हुए थे नंगे पांव पूरे मोहल्ले में मैंने तुम्हारी मिठाई बांटी थी, अपनी गोद में खिलाया है तुम्हें, तुम्हारी हर सालगिरह पे अपने हाथों से केक बनाया मैंने। रमशाद साकिब कहाँ की तैयारी है बेटा? हम लोग रमशा की फैमिली के यहाँ कुछ दिन के लिए रहने जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? भई आप लोग अपनी शादी की तैयारी करें, हमारी वजह से कहीं आप लोगों का मजा खराब ना हो जाए ना। साकिब बेटा, क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना बड़ा गुनाह कर रही हूँ? भाई जिसकी जो मर्जी है वो करे, मैं कौन होता हूँ किसी के मामले में कुछ बोलने वाला। हमारी तो आदत ही नहीं है किसी के मामले में बोलने की, और यहाँ हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, इसलिए बेहतर होगा कि कोई हमारे मामले में बीच में ना पड़े। साकिब तुम्हें तो याद नहीं होगा, जब तुम पैदा हुए थे नंगे पांव पूरे मोहल्ले में मैंने तुम्हारी मिठाई बांटी थी, अपनी गोद में खिलाया है तुम्हें, तुम्हारी हर सालगिरह पे अपने हाथों से केक बनाया मैंने, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा है। एक दूसरे के फैसलों से चाहे मुत्तफिक ना हो, लेकिन दिल से हमेशा जुड़े रहे हैं। देखो मेरे फैसले से तुम्हें लाख तलाक सहे, यूं मुंह फेर लेना अच्छा नहीं है। ठीक कह रही हैं आप, रिश्ते बदल जाते हैं, और ये जो बचपन की बातें हैं ना, बचपन में ही अच्छी लगती हैं। आप मेरी बर्थडे पर मेरे लिए केक बनाती थी, और फरिया के पैदा होने के बाद मेरी सालगिरह पर उसके लिए भी केक बनता था अलग से, उसके लिए एक गिफ्ट आता था मुझसे बेहतर, और ये आज तक हो रहा है, कुछ नहीं बदला है आज तक। हर मामले में हर बात में फरिया को ज्यादा अहमियत दी जाती है यहाँ पे। ताकि वो मैंने रिश्ते बदले, आप लोगों ने बदले, मुझे आप लोगों ने खुद से दूर किया है, बस अब मैं दूरी सही हूँ आप लोगों से। चल साकिब मेरी बात तो सुनो। साकिब भाभी